2023 के आखिर में अमेज़न ने बिजनेसेस के लिए अपने एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट को पेश किया। इस एआई असिस्टेंट का नाम अमेज़न क्यू है। शुरुआत में चैटबॉट सबके लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब से ये एआई असिस्टेंट सबके लिए उपलब्ध होगा। ये चैटबॉट अमेज़न वेब सर्विसेज यूजर्स के लिए एक असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। ये कंपनी के डेटा और वर्कफ्लो से सीखता है ताकि एम्प्लॉयज अपने बिजनेस से जुड़े सवाल पूछ सके। अमेज़न का कहना है कि इसके अलावा यूजर्स क्यू से कोडिंग, एचआर इन्फॉर्मेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़े उसके पहले ये जान लेते हैं कि अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS क्या है। आम तौर पर हम सभी अमेज़न को जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेज़न सिर्फ ई कॉमर्स सर्विस नहीं है? ये सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग और प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं करता है। अमेज़न कई सेक्टर में काम करता है। ऐसा ही एक सेक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें अमेज़न लीडिंग कंपनी बनी हुई है। इसे AWS के नाम से जाना जाता है। AWS का भारत की डिजिटल ग्रोथ में अहम योगदान है। ये एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस है। क्या आपने कभी सवाल किया है कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने पर ढेर सारा डेटा आ जाता है, आखिर ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे वो आपकी डिवाइस तक पहुँचता है, उसके लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? ये सारा कामकाज अमेज़न वेब सर्विस जैसी कंपनियां करती है। AWS किसी छोटी टेक कंपनी की जरूरतों को पूरा करती है। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो AWS की तरफ से स्टोरेज, कंप्यूटिंग, सेफ्टी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को पूरा किया जाता है। ये तो हुई AWS की बात, अब लौटते हैं अमेज़न क्यू पर। अमेज़न ने अपने YouTube अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में कंपनी ने इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंपनियों के इंटरनल डेटा को एनालाइज करने के लिए सबसे कैपेबल जनरेटिव AI पावर्ड असिस्टेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया है। आइए अब अमेज़न क्यू के तीन जरूरी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। इनमें अमेज़न क्यू डेवलपर, अमेज़न क्यू बिजनेस और अमेज़न क्यू एप्स शामिल हैं। ये असिस्टेंट का डेवलपर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया वर्जन है। ये नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स के जवाब में कोड को जनरेट करता है। AWS का कहना है कि ये मल्टी स्टेप प्लानिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इसकी मदद से कई कोडिंग टास्क को हैंडल किया जा सकता है। इसमें टेस्टिंग, एप्लीकेशन कोड को अपग्रेड करने जैसे कई टास्क शामिल हैं। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ जरूरत के मुताबिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहना है और बाकी चीजें असिस्टेंट खुद संभाल लेगा। अगर अमेज़न क्यू डेवलपर की कीमत की बात की जाए, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर हर महीने 50 इंटरैक्शन अवेलेबल होंगे। फुल फीचर्ड और लेस लिमिटेड प्रो टियर प्लान की कीमत $19 प्रति महीने है। अब बात करते हैं अमेज़न क्यू बिजनेस और अमेज़न क्यू एप्स की। अमेज़न क्यू बिजनेस एक एंटरप्राइज के अंदर सभी डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करता है, उसे एनालाइज करता है, फिर वो डेटा का इस्तेमाल प्लेन नेचुरल लैंग्वेज में बिजनेस यूजर्स को जवाब देने में करता है। AWS का कहना है कि एंटरप्राइज यूजर्स अपनी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ी कुछ भी चीज पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो कोई इंटरनल पॉलिसीज हो, प्रोडक्ट अपडेट्स हो या फिर कोई स्पेसिफिक बिजनेस रिजल्ट्स हो। क्यू सिर्फ क्वेरी लेगा, इसके बाद डेटा को सर्च करेगा, उसे समराइज करेगा और फिर उसे एनालाइज करेगा। इसके बाद वो बातचीत में उस क्वेरी का जवाब दे देगा। इसके अलावा वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क को भी असिस्ट कर सकता है, जिसमें रिपोर्ट्स लिखना और प्रेजेंटेशंस को तैयार करना शामिल है। क्यू बिजनेस की प्राइस हर महीने लाइट टियर के लिए हर यूजर के लिए $3 है। ये टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट ऑफर करता है और वहीं प्रो टियर के लिए हर यूजर के लिए $20 है। वहीं अगर बात करें क्यू ऐप की, तो ये क्यू बिजनेस का एक एक्सटेंशन है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स के जरिए यूजर्स के लिए जेनरेटिव AI एप्स को क्रिएट कर सकता है। अमेज़न का कहना है कि यूजर को सिर्फ प्रॉम्प्ट के जरिए ऐप के टाइप को डिस्क्राइब करना होगा और क्यू उस ऐप को जनरेट कर लेगा जिसकी यूजर को जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।